हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल काया कीर्ति में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको घर पर ही नीम पाउडर बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके साथ ही साथ नीम पाउडर का क्या यूज़ है ये भी बताऊंगी। दोस्तों, नीम एक ऐसा हर्ब है जिसे हम मेडिसिनल हर्ब के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगस और एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी काम करता है। अगर आप सुबह सुबह नीम पत्ते को खाकर पानी पीते हैं तो ये आपके खून को भी साफ करता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है आपके हेल्थ के लिए। नीम में 140 ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए। यही वजह है कि बहुत से आयुर्वेदिक होम्योपैथ दवाओं में भी नीम का यूज किया जाता है। बहुत से मार्केट में मिलने वाले ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आपने देखा होगा जिसमें नीम का यूज किया जाता है, जैसे शैम्पू, फेस वॉश और क्रीम में भी नीम का यूज किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नीम पाउडर बनाना बताऊंगी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले नीम को ले लीजिए और लेकर इसके पत्ते को ऐसे आपको ऐसे तोड़ लेना है, और इसके बाद इस पत्ते को अच्छे से धो लीजिए। आप 3-4 पानी धो लेना है ताकि इसका सारा गंदगी निकल जाए। आप 3 से 4 पानी धो लीजिए ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। पानी देखिए, ये बिल्कुल साफ है। इसके बाद आपको इसको छान लेना है। तो ये देखिए, मैंने नीम पत्ते को अच्छे से धोकर छान लिया है। अब आप इसको सुखा लीजिए, धूप में आप सुखाइए 2 से 3 दिन, फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। दोस्तों, मेरा नीम पत्ता अच्छे से सूख के तैयार हो चुका है। मैंने इसे 2 दिन तक धूप में सुखा लिया था। सूखने के बाद इसका सारा मॉइस्चर उड़ चुका है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है और आसानी से टूट जा रहा है। ये देखिए, अगर आपके घर में धूप नहीं आता है तो आप इसे पंखे की हवा से भी सुखा सकते हैं। पंखे की हवा में ये 2 से 3 दिन में सूख जाएगा। बस आप ध्यान रखिए कि ये इतना सूखना चाहिए ताकि ये आसानी से ऐसे टूट जाए, या फिर आप इसे माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं। अब हम एक लेंगे मिक्सी जार और इसमें सारे पत्ते को डाल लेंगे ऐसे, और अब हम इसे पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। तो आप इसे छान भी सकते हैं ऐसे, छन्नी में डाल के आप इसे छान लीजिए ताकि इसका मोटा हिस्सा निकल जाए और ये आपके स्किन पे ना चुभे। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बारीक सा नीम पाउडर बनके तैयार हो गया और इसका मोटा हिस्सा निकल गया छानने से। दोस्तों, मार्केट में भी नीम पाउडर मिल जाता है, लेकिन इसे हम घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये शुद्ध भी बनेगा, और इसको बनाने में आपको कोई पैसा खर्च भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसे घर पे ज़रूर बनाना चाहिए। आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए, ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। बहुत आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं नीम पाउडर के फ़ायदे के बारे में। तो नीम पाउडर बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगर आपको पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप नीम पाउडर का यूज़ करिए, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, इसलिए ये पिंपल्स को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको लेना है 1 चम्मच नीम पाउडर, इसमें डालिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, 1/2 चम्मच आपको डालना है नींबू का रस। अगर आपको नींबू से एलर्जी है तो आप इसके जगह पे दही भी डाल सकते हैं, और फिर गुलाब जल डालिए और एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। इसे अपने चेहरे पे लगाइए, ऐसा करने से बहुत ही जल्द पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। अगला यूज़ है झाइयाँ के लिए। दोस्तों, चेहरे पे काले काले से धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए भी नीम पाउडर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप लीजिए 1 चम्मच नीम पाउडर और इसमें डालिए 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1/2 चम्मच शहद। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाइए जहाँ पर आपको झाइयाँ की प्रॉब्लम है। आपको रोज़ रात को ऐसा करना है, ऐसा करने से बहुत ही जल्द झाइयाँ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। अगला यूज़ है दांतों के लिए। दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है नीम पाउडर। अगर आपके दांत में सड़न है या दांत से बदबू आता है या दांत में किसी तरह की इन्फेक्शन है तो आप नीम पाउडर का यूज़ करिए। टूथपेस्ट में नीम पाउडर को मिक्स करके आप इससे ब्रश करिए, ऐसा करने से बहुत ही जल्द दांतों की प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाता है।
अगला यूज़ है बालों के लिए। बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है नीम पाउडर। अगर आपके बाल में इचिंग हो रहा है या डैंड्रफ है या बाल टूट रहे हैं तब भी आप नीम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आप नीम पाउडर में दही मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। आप दही के जगह पे पानी भी डाल सकते हैं, पानी मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और इसे अपने बाल पर लगाइए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द ये बालों की प्रॉब्लम से भी छुटकारा देता है। अगला यूज़ है, अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तब भी आप नीम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच नीम पाउडर खा के पानी पी लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाता है। अगला यूज़ है फोड़े या फुंसी के लिए। फोड़े या फुंसी को ठीक करने के लिए भी नीम पाउडर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप नीम पाउडर लीजिए, इसे पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पे आपको फोड़े या फुंसी की प्रॉब्लम है वहाँ पे इस पेस्ट को लगाइए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द फोड़े या फुंसी की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। अगला यूज़ है बागवानी के लिए। बागवानी के रूप में भी आप नीम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधे में कीड़े लग रहे हैं तो आप नीम पाउडर का यूज़ करिए। नीम पाउडर को पौधे के जड़ों में डालिए। ऐसा करने से पौधे में कीड़े मर जाएंगे और आपके पौधे अच्छे हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों नीम पाउडर के यूज़। आप भी इसे यूज़ करिए और आप इसे घर में ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।